भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। एक ऐसे संगीतकार जिसके तरक्की के रास्ते का पहला रोड़ा उनके पिता ही बने। फिर जब काम मिला तो हर किसी ने इन्हें सलाम किया। जैसे कई बेहतरीन गाने कंपोज कर अपनी टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। एक ऐसा संगीतकार जो ग्लास के टूटने से लेकर पीठ की मार और बारिश की बूंदों में भी संगीत निकाल लेते थे। संगीत का नॉलेज ऐसा था कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने वो धुन बनाई जो चोरी छिपे पिता ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर ली। लेकिन कहते हैं ना, उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, पर डूबते सूरज की अहमियत बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस महान संगीतकार का हर एक गाना, हर एक धुन फ्लॉप होने लगा। लोगों को लगने लगा कि संगीतकार का जादू खत्म हो गया। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सभी इनका साथ छोड़ने लगे। लोग कमिटमेंट करके भी ऐन वक्त पर दूसरे संगीतकार का दामन थामने लगे। इन्हें अपने महान संगीतकार पिता के नाम पर अपनी धुन बेचनी पड़ी। जो म्यूजिकल सेटिंग ऑफिस एक वक्त लोगों की हंसी ठिठोली और बड़े बड़े स्टारों की चहलकदमी से भरी रहती थी, एक वक्त ऐसा आया जब उस जगह अकेले हारमोनियम पकड़े ये संगीतकार कुछ कुछ गुनगुनाते रहते। इन्हें मालूम था कि वो जादू अभी खत्म नहीं हुआ है, बस जरूरत है तो एक सही मौके की, एक सही कहानी की और एक सच्चे भरोसे की। और तभी डूबते को तिनके का सहारा मिला और उस तिनके को पकड़कर इस महान संगीतकार ने कहा कि अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि अभी मेरा वक्त खत्म नहीं हुआ है। और हुआ भी ऐसा ही। जब गाना रिलीज हुआ तो हर किसी के जुबा पर बस इसी फिल्म के गाने थे। लेकिन अपनी ये कामयाबी और लोगों का लौटा विश्वास देखने के लिए ये संगीतकार अब इस दुनिया में नहीं थे। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने गाने तो एक से एक बनाए, लेकिन इनकी निजी जिंदगी उथल पुथल से भरी रही। पहली पत्नी फैन थी, जिनके साथ शादी इनकी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। दूसरी पत्नी एक महान गायिका और पहले से 3 बच्चों की माँ। फिर भी उन पर दिल हार कर इस महान संगीतकार ने उनसे शादी की। लेकिन एक वक्त ये महान गायिका पत्नी उन्हें ही अकेला छोड़कर चली गई। जिंदगी के आखिरी कुछ साल उन्होंने गरीबी और अकेलेपन में गुजारे। जितनी चर्चा जीते जी उनकी रही, उतनी ही मौत के बाद उनके एक लॉकर की भी हुई। उसके अंदर मिला एक नोट आज भी रहस्य है। दुनिया में लोगों को नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। और दोस्तों, ये संगीतकार थे महान आरडी बर्मन साहब, जिन्हें हम प्यार से पंचमदा भी कहते हैं। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम आपको सुना रहे हैं कहानी पंचमदा की। आखिर कैसे इनका नाम पंचमदा पड़ा, किसने दिया था ये नाम, 9 साल में बनाया कौन सा इनका धुन इनके पिता ने ही चुरा लिए, कैसे मिली थी पहली फिल्म, कैसे एक शर्त और फैन से हो गई शादी, कैसे तलाक के गम में कंपोज कर दिया है इतना महान गाना जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है, क्या है आरडी बर्मन और 3 बच्चों की मां आशा भोसले की लव स्टोरी, क्यों आशा भोसले के साथ शादी के खिलाफ हो गई आरडी बर्मन की मां और कह दिया ये शादी मेरी लाश पर ही होगी, क्यों इतने प्यार करने वाले पंचमदा को छोड़ गई थी आशा भोसले, किसके कारण बर्बाद हुआ पंचमदा का करियर, क्यों एक 5 रुपए का नोट आज भी अनसुलझा रहस्य है जिसके लिए पंचमदा जीते जी हजारों रुपए का किराया दिया करते थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आरडी बर्मन,
पूरा नाम राहुल देव बर्मन। इनका जन्म 27 जून 1939 को हिंदी फिल्म के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन और मीरा देव बर्मन के घर कोलकाता में हुआ था। इनके पिता एसडी बर्मन एक महान संगीतकार थे। वैसे तो इनका नाम राहुल देव बर्मन था, लेकिन दादी प्यार से उन्हें टुबलू बुलाती थी। एसडी बर्मन के नक्शे कदम पर आरडी बर्मन भी गायकी में उतरे। कहा जाता है कि बचपन में जब भी रोते थे तो उनके रोने पर 5 सुर निकलते थे। वहीं जब एक बार एसडी बर्मन के घर पहुंचे अशोक कुमार ने उन्हें रियाज में प का बार बार इस्तेमाल करते सुना तो उनका नाम पंचमदा रख दिया। इस नाम को लेकर और भी कई कहानियां मशहूर हैं जो फिर कभी सुनाऊंगा। जब आरडी बर्मन हिंदी सिनेमा में आए तो उन्हें पंचमदा नाम से ही पहचाना गया। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के मुताबिक पंचम 5वें स्केल में गाने को कहा जाता है। पहला स्केल सड़ज यानी सा, दूसरा ऋषभ यानी रे, तीसरा गांधार यानी ग, चौथा मध्यम यानी म, पांचवा पंचम यानी प, छठा धैवत यानी ध और सातवां निषाद यानी नी। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए राहुल देव वर्मन को कोलकाता के सेंट जेवियर्स स्कूल में दाखिल कराया गया। फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए वो कोलकाता के ही सरकारी स्कूल बालीगुंगे हाई स्कूल में दाखिल हुए। कम उम्र से ही आरडी बर्मन का झुकाव पिता की तरह गायकी की तरफ रहा। वो गायकी को इतना तवज्जो देने लगे कि पढ़ाई से ध्यान ही हट गया। नतीजतन उनके 9 साल की उम्र में नंबर कम आए। जब पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने पूछ लिया, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जवाब मिला, मैं आपसे भी बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूँ। पिता एसडी बर्मन से पूछते हैं, तुमने आज तक कोई धुन भी बनाई है? पिता के इस सवाल पर आरडी बर्मन ने एक दो नहीं बल्कि 9 ताजी धुन सुना दी। सिर्फ 9 साल के बच्चे की 9 धुनें सुनकर पिता भी दंग रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद एसडी बर्मन अपने काम के लिए दोबारा मुंबई लौट आए। सालों बाद 1956 में फंटूस फिल्म रिलीज हुई। 17 साल के आरडी बर्मन जब कोलकाता में ये फिल्म देखने पहुंचे तो उन्हें जोरदार धक्का लगा। पिता के कंपोजिशन में बने फिल्म के गानों में वही धुन थी जो उन्होंने पिता को सुनाई थी। वो गाना था आई मेरी टोपी पलट के। आई मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। आरडी बर्मन की उम्र कम जरूर थी, लेकिन वो इस बात से काफी नाराज हुए। जब उनकी पिता से मुलाकात हुई तो उन्होंने गुस्से में पूछा, आपने मेरी धुन क्यों चुराई? जवाब मिला, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी बनाई धुन लोगों को पसंद आती है या नहीं। 1957 की गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के गाने सिर जो तेरा चकराए, इसमें भी एसडी बर्मन ने अपने बेटे आरडी बर्मन की धुनों का इस्तेमाल किया था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। बड़े होने पर मुंबई में आरडी बर्मन ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद से तबला बजाने का प्रशिक्षण लिया और पिता का सहायक बनकर संगीत की दुनिया में कदम बढ़ाने लगे। हालांकि आरडी बर्मन तत्कालीन संगीतकार सलील चौधरी को अपना गुरु मानते थे। आरडी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता सचिन देव बर्मन के सहायक के तौर पर की थी। इस दौरान उन्होंने 1958 में चलती का नाम गाड़ी और 16वां साल, 1959 में कागज का फूल, 1963 में तेरे घर के सामने और बंदनी, 1964 में जिद्दी, 1965 में गाइड और तीन देवियां जैसी सफल फिल्मों में सहायक संगीतकार की भूमिका निभाई। दोस्तों, फिल्म 16वां साल के गीत है अपना दिल तो आवारा। इसके संगीत में आरडी बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाया था और यह गीत केवल उस समय ही नहीं आज भी हम सबके जुबा पर तैरता रहता है। कई बार काम की वजह से आरडी बर्मन और उनके पिता एसडी बर्मन दोनों में अनबन भी हो जाती थी। आरडी बर्मन की जिद की वजह से कई बार उनके पिता स्टूडियो से नाराज होकर चले जाते थे, लेकिन आखिर में बेटे की बात उन्हें माननी ही पड़ती। अगर बात करें आरडी बर्मन के स्वतंत्र म्यूजिक कंपोजर बनने की, तो सबसे पहले 1958 में गुरुदत्त ने आरडी बर्मन को फिल्म राज में म्यूजिक कंपोज करने का मौका दिया था। जब पंचमदा को यह फिल्म ऑफर हुई तो उनके पिता इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आरडी बर्मन अभी मात्र 20 साल के हैं और अभी इन्हें और संघर्ष करने की जरूरत है।
इतनी आसानी से इन्हें इतनी बड़ी फिल्म नहीं मिलनी चाहिए। और पंचमदा की बदकिस्मती ऐसी कि यह फिल्म कभी बनी नहीं सकी। इसके बाद उन्होंने 1961 की फिल्म 16वां साल से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। दरअसल महमूद इस फिल्म में एसडी बर्मन से गाने कंपोज करवाना चाहते थे। जब इस सिलसिले में वो उनके घर पहुंचे तो एसडी बर्मन ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास इसके लिए वक्त नहीं था। इसी समय महमूद की नज़र पास के कमरे में तबला बजाते हुए आरडी बर्मन पर पड़ गई। फिर क्या था, महबूब ने इस फिल्म के गाने कंपोज करने की जिम्मेदारी आरडी बर्मन को दे दी। इस फिल्म के बाद महमूद और आरडी बर्मन में गहरा दोस्ताना संबंध स्थापित हो गया। इसी दोस्ती के कारण 1965 में महमूद की फिल्म भूत बंगला में आरडी बर्मन ने कैमियो का रोल भी अदा किया था। इसके बाद आरडी बर्मन ने कुछ और फिल्मों में अपना संगीत दिया, लेकिन ये दौर ऐसा था जिसमें आरडी बर्मन के पिता एसडी बर्मन के साथ साथ और भी कई महान संगीतकारों का फिल्म इंडस्ट्री में बोलबाला था, और इस माहौल में खुद को स्थापित कर एक नाम बनाना आरडी बर्मन के लिए काफ़ी चैलेंज भरा था। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर हुनर और लगन दोनों है तो आपसे आपकी पहचान दूर नहीं। कंघी, कप प्लेट, थपकी और बारिश की बूंदों जैसी चीज़ों से भी धुन बनाने वाले आरडी बर्मन के कंपोजिशन की पहली हिट फिल्म रही 1966 की तीसरी मंजिल। इस फिल्म के गाने आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा और ओ हसीना जुल्फों वाली जबरदस्त हिट रहे। कहा जाता है कि गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक नासिर हुसैन के पास आरडी बर्मन की सिफारिश की थी। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। फिल्म के 4 गानों में मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले ने भी अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर नासिर हुसैन ने अपनी अगली 6 फिल्मों के लिए आरडी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी को इकट्ठा साइन कर लिया था। 1968 की फिल्म पड़ोसन के गीत संगीत के साथ आरडी बर्मन एक सफल संगीतकार के रूप में हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो चुके थे। हालांकि इस दौरान भी वह अपने पिता सचिन देव बर्मन के साथ सहायक के तौर पर जुड़े रहे और 1967 में ज्वेल थीफ और 1970 में प्रेम पुजारी जैसी सफल फिल्मों के संगीत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1969 में रिलीज हुई राजेश खन्ना अभिनीत सुपरहिट फिल्म आराधना का संगीत हालांकि सचिन देव बर्मन के नाम पर है, परंतु कहा जाता है कि इसके गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और कोरा कागज था ये मन मेरा आरडी बर्मन की रचना थी। इस चर्चा की वजह फिल्म के संगीत के रिकॉर्डिंग के दौरान सचिन देव बर्मन का बीमार हो जाना और फिर इस जिम्मेदारी को आरडी बर्मन द्वारा पूरा किया जाना है। इस सफलता के लिए फिल्म के क्रेडिट में उनका नाम एसोसिएट म्यूजिक कंपोजर के रूप में दिया गया। हिंदी सिनेमा में अपने हुनर के बलबूते कामयाबी की सीढ़ियां चल रहे आरडी बर्मन ने 1966 में रीटा पटेल से शादी की थी। दरअसल दोनों का रिश्ता एक मामूली शर्त से शुरू हुआ था। रीटा पटेल उनकी बड़ी फैन हुआ करती थी और रीटा से आरडी बर्मन की मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। उसके बाद एक दिन रीटा ने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि देखना, एक दिन आरडी बर्मन के साथ मैं डेट पर जाकर दिखाऊंगी। शर्त के अनुसार रीटा ने एक दिन मौका पाते ही उनसे डेट का पूछ लिया और वो मान भी गए। एक शर्त से शुरू हुआ किस्सा 1966 में शादी में बदल गया। पंचमदा के करीबी रहे गुलजार साहब बताते हैं कि वो बेहद बेसब्र रहते थे। जब भी कोई उन्हें गाने की धुन बनाते हुए चाय देता तो वो चाय के ठंडा होने का इंतज़ार करने की बजाय सीधा उसमें पानी डालकर पी जाया करते थे। पंचमदा खाने के भी काफ़ी शौकीन थे, खास तौर पर उन्हें तीखा खाना काफ़ी पसंद था। मिर्ची के तो वो इतने शौकीन थे कि खुद के घर में कोई 200 तरह की मिर्चियाँ उगा रखी थी। दुनिया भर में मिर्ची की कुल 400 जातियाँ हैं जिनमें से 200 पंचमदा के होम गार्डन में थी। उन्हें बागवानी भी पसंद थी। शानदार आवाज के मालिक पंचमदा के पास परफ्यूम का भी बहुत बड़ा कलेक्शन था। शादी के 5 साल बाद 1971 में आरडी बर्मन और रीटा का तलाक हो गया। ये दोनों का मिलाजुला फैसला था।
जिस दिन आर.डी. बर्मन का तलाक हुआ उस दिन वो घर ना जाकर एक होटल के कमरे में ठहर गए। यहाँ अकेलेपन में उन्होंने अपना दर्द समेट कर एक गाना लिख दिया। वो गाना था, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे तो चलते जाना है। ये गाना एक साल बाद 1972 की फिल्म परिचय में रखा गया, जो काफी पॉपुलर हुआ था। मुसाफिर हूँ यारो। एक तरफ आर.डी. बर्मन की शादी टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उस जमाने की मशहूर सिंगर आशा भोसले उनके सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से अलग होकर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही थी। नाकाम शादियों के गम में डूबे आर.डी. बर्मन और आशा भोसले को एक दूजे में हमदर्द मिल गया। दोनों की वैसे तो पहली मुलाकात 1956 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने के लिए हुई थी। लगातार साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और एक दिन मौका पाते ही आर.डी. बर्मन ने आशा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। आशा तो आर.डी. बर्मन से शादी करने के लिए मान गई, लेकिन जैसे ही ये बात आर.डी. बर्मन की माँ तक पहुंची तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये शादी मेरी लाश पर ही होगी। इनकार की पहली वजह ये थी कि आशा भोसले आर.डी. बर्मन से 6 साल बड़ी थी और दूसरी की वो 3 बच्चों की माँ थी। अब एक बेटा माँ की बात कैसे टाल सकता है। माँ की बात मानते हुए बेटे आर.डी. बर्मन ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन कुछ समय बाद आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन का निधन हो गया और माँ की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जब माँ की हालत में सुधार नहीं दिखा तो आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले से 1980 में शादी कर ली। पिता के गुजरने के बाद आर.डी. बर्मन की माँ की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने अपने बेटे को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इधर आर.डी. बर्मन के निर्देशन में आशा भोसले ने ओ मेरे सोना रे सोना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तुम साथ हो जब अपने, दम मारो दम, 2 लफ्जों की है दिल की कहानी, कह दूं तुम्हें या चुप रहो, सुन सुन दीदी तेरे लिए, जैसे गानों को आवाज दी। आशा भोसले ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में आर.डी. बर्मन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि पिता एस.डी. बर्मन के बीमार पड़ने के बाद लोगों ने आर.डी. बर्मन को काम देना लगभग बंद कर दिया था। जब भी वो किसी के पास काम मांगने जाते तो हर कोई बस यही कहता कि यार पंचम, तुम्हारी धुनों में वो बात नहीं जो तुम्हारे पिता की धुनों में हुआ करती थी। एक बार जब आर.डी. बर्मन अपनी पत्नी आशा के साथ शक्ति सामंत के पास पहुंचे तो उन्हें फिर यही जवाब मिला कि कुछ नया सुनाओ, तुम्हारे पिता जैसे सुनाया करते थे। ये सुनकर आर.डी. बर्मन ने पत्नी आशा के कानों में धीरे से कहा, अब तुम मजा देखना। ये कहते ही आर.डी. बर्मन ने शक्ति सामंत से कहा, मेरे पिताजी ने एक धुन बनाई थी जो आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुई, क्या वो धुन आपको सुनाऊं? चालाकी से आर.डी. बर्मन ने पिता के नाम से अपनी ही एक धुन सुना दी। वो धुन सुनकर शक्ति सामंत ने तारीफों में कसीदे पढ़ दिए और कहा, मैं कहता हूं ना, तुम्हारे पिता की बात ही कुछ और है। चंद सालों बाद आर.डी. बर्मन के शराब और सिगरेट की लत से परेशान होकर आशा भोसले ने उनका घर छोड़ दिया। आखिरी समय में आर.डी. बर्मन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। एक समय ऐसा भी रहा जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया। सालों बाद विधु विनोद चोपड़ा ने आर.डी. बर्मन की मदद करते हुए उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में म्यूजिक कंपोज करने का मौका दिया। इसकी भी एक अपनी दिलचस्प कहानी है जो कि फिर कभी सुनाऊंगा। फिल्म के लगभग सभी गाने सुपरहिट रहे, लेकिन अफसोस की यह कामयाबी देखने के लिए आर.डी. बर्मन नहीं रहे। 4 जनवरी 1900 को आर.डी. बर्मन 55 साल की उम्र में गुजर गए और फिल्म 15 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई। मौत के बाद आर.डी. बर्मन को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आर.डी. बर्मन की मौत के कुछ समय बाद आशा भोसले को पता चला कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में एक लॉकर ले रखा था। इस लॉकर के लिए आर.डी. बर्मन जीते जी हजारों रुपए का किराया दिया करते थे। कागजातों के अनुसार आर.डी. बर्मन की मौत के बाद इस लॉकर के हकदार उनके सेक्रेटरी भरत अशर होते। जब भरत से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी।
आशा ने पूरा घर खंगाला, लेकिन उन्हें भी इसकी चाबी नहीं मिली। ये हाई प्रोफाइल केस था तो हर कोई एक्टिव होकर इसमें लगा हुआ था। पुलिस ने लॉकर सील करवा दिया और जांच शुरू कर दी। आशा भोसले को भरोसा था कि लॉकर में आर डी बर्मन की प्रॉपर्टी के जरूरी पेपर्स, गहने और हीरे की खानदानी अंगूठी मिलेगी। बैंक ने बताया कि आर डी बर्मन हर महीने लॉकर का किराया तो देते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे खोला नहीं। आखिरकार 3 मई 1994 को उनका लॉकर खोलने का आदेश जारी हुआ। हर किसी की नजर उनके लॉकर पर थी। पुलिस, बैंक मैनेजर, आशा भोसले मौके पर मौजूद थे। आखिरकार लॉकर नंबर SBD को चाबी नंबर 1035 से खोला गया। जैसे ही वो लॉकर खुला तो हर कोई हैरान था। उस बड़े से लॉकर में चारों तरफ टॉर्च घुमाया गया, लेकिन उसमें था तो सिर्फ एक 5 रुपए का नोट। हर कोई हैरान था कि जिस लॉकर के हजारों रुपए किराए में जाते हैं, उसमें कीमती सामान के नाम पर सिर्फ 5 रुपए क्यों है। पूरे लॉकर में ये एक ही नोट क्यों था? ये पंचमदा को किसने दिया? इस लॉकर का नॉमिनी उनका सेक्रेटरी ही क्यों था? ऐसे कई सवाल हैं जिसका आज भी कोई जवाब नहीं मिला, और ये 5 रुपए का नोट आज भी अनसुलझा रहस्य ही बनकर रह गया है। आर डी बर्मन संगीत के सच्चे पुजारी थे। वह पुरस्कार और सम्मान की चिंता किए बगैर अपनी धुन में रमे रहे और सर्वश्रेष्ठ संगीत का रसवादन संगीत प्रेमियों को कराते रहे। अपने जीवन में ढेरों सर्वश्रेष्ठ गीत देने के बावजूद उनके हिस्से में केवल 3 फिल्मफेयर अवार्ड आए, वह भी तब जब उनका करियर ढलान पर था। इससे पहले वह लगभग हर साल फिल्मफेयर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार की कैटेगरी में नॉमिनेट होते रहे, लेकिन हर बार उन्हें निराश होना पड़ा। दोस्तों, पंचमदा के इतने किस्से हैं कि उसे एक एपिसोड में तो हरगिज समेटा नहीं जा सकता। इसलिए आज मैं सफर के इसी मोड पर आपसे विदा लेना चाहूंगा। पंचमदा का कौन सा गाना आपके दिल के बेहद करीब है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।